क्रिश 4 बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म क्यों है? वैज्ञानिकों ने क्यों दावा किया धरती पर इंसानों के बीच काम कर रहे हैं एलियन? परमाणु बम से क्यों चिंतित है एलियन? अमेरिका क्या एलियन की मुट्ठी में है? मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। ऋतिक की क्रिश सीरीज की अगली फिल्म की पटकथा को अंतिम रूप दे दिया गया है। क्रिश 4 की शूटिंग पहले इसी साल शुरू होने वाली थी, लेकिन राकेश रोशन की सेहत बिगड़ने के चलते इसकी पटकथा का काम बीच में रुक गया था। यही नहीं, राकेश रोशन अब फिल्म क्रिश 4 को अपनी पिछली फिल्मों से कहीं बड़े स्तर पर फिल्माने की तैयारी कर रहे हैं। क्रिश 4 के कुछ एक्शन दृश्य फिर से लिखे गए हैं और इनका लेवल ऋतिक के फिल्म वार के बराबर ले जाने का फैसला किया गया है। क्रिश 4 का बजट करीब 300 करोड़ रुपए रखा गया है और ये हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म होने जा रही है। यही नहीं, क्रिश 4 का अंग्रेजी संस्करण भी बनेगा और इस बार इसका लुक पूरी तरह इंटरनेशनल बाजार के मुताबिक रखा जाएगा। राकेश रोशन के प्रोडक्शन हाउस के सूत्रों की माने तो क्रिश 4 के शूटिंग शेड्यूल पर काम शुरू हो चुका है। इसके लिए सेट डिजाइनिंग का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन ये फिल्म फ्लोर पर अब बहुत जल्द ही जाने वाली है। ऋतिक ने क्रिश 4 शुरू करने से पहले एक और हिंदी फिल्म करने का मन बना लिया है, परंतु ये कौन सी फिल्म होगी अभी निश्चित नहीं है। एलियन को लेकर हमारे बीच तरह तरह की बातें की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सरकारों के पास एलियन को लेकर काफी जानकारी है, लेकिन लोगों से छिपाया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों और लेखकों का दावा है कि एलियन धरती पर इंसानों के बीच काम कर रहे हैं। स्टैंडन फ्रीडमन एक न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे जिनका निधन मई 2019 में हो गया है। उन्होंने अमेरिका की चर्चित रोजबेल यूएफओ दुर्घटना की जांच की थी। वो अपनी बात पर कायम थे कि एलियंस हमारे बीच हैं। उन्होंने कहा था, इस बात के बहुत प्रमाण हैं कि एलियंस ने धरती का भ्रमण किया है और वे लोगों के साथ रह रहे हैं। एरिया 51 के बारे में कहा जाता है कि वो अमेरिकी सरकार ने एलियंस को छिपा रखा है। इसकी हकीकत क्या है इसके बारे में ज्यादा मालूम तो नहीं है, लेकिन पहले तो अमेरिकी सरकार एरिया 51 के अस्तित्व को ही नकारती रही है, फिर बाद में इसको स्वीकार किया। कुछ का कहना है कि वहाँ उड़न तस्तरी का परीक्षण किया गया था। रूस के राजनीतिक किसान इल्यूजनोव ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर 1997 को एलियन उनके अपार्टमेंट में उनसे मिलने आए थे। इसके बाद एलियन ने उनका अपहरण कर लिया। ये कहानी दो वजहों से विश्वसनीय मानी जाती है। एक तो इल्यूजनोव के ड्राइवर मंत्री और सहायक ने इस बात की पुष्टि की थी कि वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, और दूसरा कारण ये है कि रूस की सरकार भी ऐसा मानती है। वास्तव में रूसी सरकार को तो ये चिंता है कि उन्होंने अगर एलियंस के साथ गोपनीय सूचना साझा कर दी होगी तो रूस को खतरा हो सकता है। कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री पॉल हेलर ने दावा किया था कि एलियन धरती पर आते रहते हैं। उनके मुताबिक इधर कुछ सालों से उनकी गतिविधि बढ़ गई है। दरअसल वे धरती पर परमाणु हथियारों की खोज से काफी चिंतित। एडवर्ड स्नोडन ने अमेरिका के बारे में काफी सनसनीखेज दावे किए। कहा जाता है कि एडवर्ड स्नोडन जब CIA में कर्मचारी था तो गोपनीय सूचनाओं की चोरी की थी। बाद में उसने गोपनीय सूचनाओं को लीक करने का दावा किया। स्नोडन द्वारा लीक की गई सूचनाओं से ये संकेत मिलता है कि अमेरिका को टॉल व्हाइट नाम से एलियनों से निर्देश मिलता है। लीक के मुताबिक ये एलियन की वही प्रजाति है जिसके बारे में दावा है कि नाजियों को पहले विश्व युद्ध से पहले सत्ता दिलाई थी। ऐसा दावा है कि पहले विश्व युद्ध के बाद फिर उन एलियन ने अमेरिका को काबू करना शुरू कर दिया। अमेरिका के कृषि विभाग ने कुछ ऐसी जानकारी और डेटा शेयर किया है जिससे ऐसा लगता है कि एरिजोना के टोंटो नेशनल फॉरेस्ट में शायद एलियन मौजूद। एक व्यक्ति ने कॉल करके बताया था कि उसने एक गुप्त बेस का निर्माण होते देखा है जहां एलियन से संबंधित गतिविधि होती है। उस व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने उड़न तस्तरी और जहाजों को देखा है। उसने संभावना जताई थी कि वहां इंसान और एलियन मिलकर काम कर रहे होंगे। विकिलीक्स याद है ना, एक समय था जब विकिलीक्स पर सूचनाओं के लीक को लेकर दुनिया में हंगामा मच गया था। जिन सूचनाओं को विकिलीक्स पर लीक किया गया था उनमें एक ईमेल भी था। ईमेल अमेरिका के पूर्व अंतरिक्ष यात्री एडगार मिचेल ने अमेरिकी राजनीतिक जॉन पोडेस्टा को भेजा था। ईमेल में उसने लिखा था कि बॉब को धरती पर एलियन की मौजूदगी का पता है। मिचेल ने आगे लिखा कि एलियन इंसानों की मदद करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इंसान की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए काम किया जाए। नई वेब सीरीज ओवर टाइम को अलग तरह का पहला भारतीय एलियन आधारित ऑफिस कॉमेडी सीरीज माना जा रहा है। अश्विनी लक्ष्मी नारायण द्वारा लिखित एवं निर्देशित 5 एपिसोड वाली ये सीरीज 2 IIT कर्मचारियों के इर्द गिर्द घूमती है जो एलियन की दुनिया की
भव्यता से बचने की कोशिश करने के साथ एक दूसरे से बचने की भी कोशिश करते हैं। वैसे आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप एलियन के बारे में क्या जानना चाहते हैं। क्या इस बार क्रिश 4 से एलियन का रहस्य उठ जाएगा।